पुरुषोत्तम काका आप चाहे जितने मर्जी ताने मार लीजिए, लेकिन आज जो हमने किया है ना उससे आपकी बेटी को बहुत सारी तकलीफों से आजादी मिली है। और मुझे नहीं समझनी कोई भी असलियत का मामला होता, मुझे तो एक नई असलियत को जन्म देते हुए देखना है। एक ऐसी असलियत जहां पे किसी भी गीता को ऐसी घटिया परीक्षा ना देनी पड़े। गमछा जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर लोगों को ना डरा है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी बेटी इन परीक्षाओं में पास हो जाती तो क्या ये लोग समझ जाते हैं? अरे नहीं काका, ये आपसे नए नए तरीकों से पैसा निकलवाते हैं। ये आप लोगों के परिवार का उदाहरण खड़ा करना चाहते थे गांव वालों के सामने, ताकि डर बना रहे, और यही डर इनका सबसे बड़ा हथियार है। अरे कम से कम आप अपनी बेटी से तो कुछ सीखिए। नर्क में थी वो, फिर भी उसने अपने डर पर काबू किया, उन डाकुओं से लड़ी और वापस आई, फिर आप क्यों डरते? महेश ने पति की भूमिका वो भी निभाई, आपकी मां ने पत्नी की भूमिका निभाई, आप क्यों नहीं बन सकते आदर्शवादी पिता? क्यों डरते हैं आप इन लोगों से? काका चरित्र वो होता है जो इंसानियत की इतनी मिसाल दे, और ऐसे चरित्र वालों को लोगों की दुआ और दवा दोनों लगती है। और मैं जो समझा रहा हूं अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, वरना मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आपकी बेटी आ चुकी है। नमस्कार।